औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल अटेंडिंग योर लेक्चर्स रेगुलरली एंड मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। बट इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग डिस्कशन सेशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नाउ वी हैव लर्न दैट इन मैटर two types of changes are occurring, one is physical change and the other one is chemical change. Physical change, what is physical change? Physical change is a temporary state of change in matter. For example, conversion of water into ice, then this ice can be converted back into water if you put ice out of the refrigerator. मतलब इसका क्या हुआ कि फिज़िकल चेंज जो है ये टेम्परेरी चेंज होता है, और इसमें जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर को जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद अगर आइस को आप फ्रिज में से निकाल के वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दें तो यही आइस दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि सिंपली वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में, यानी कि आइस में, और फिर सॉलिड से लिक्विड में। इसी तरह से मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, मोम का जलना जो है, अगर वैक्स भी मेल्ट हो जाता है तो उसी मेल्टेड वैक्स को अगेन आप दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वैक्स की भी सेम दो कंडीशंस चेंज होंगी, वैक्स की लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा अगर मेल्ट हो जाएगा, और अगर फ्रीज हो जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से फिज़िकल चेंज जो है वो ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स बैक कर सकते हैं, जो कि टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज इज़ परमानेंट। केमिकल चेंज इज़ परमानेंट चेंज बिकॉज इट इज़ डन बाय केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल इंटू ऐश। कोल, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला जलने के बाद किस में चेंज हो जाता है, राख में, ऐश में। डू यू थिंक दैट दिस ऐश कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कोल? क्या आप समझते हैं कि इस ऐश को हम दोबारा इस कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा, नो, हम इस ऐश को दोबारा कोयले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकली जो कोयला है उसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, जबकि ऐश की प्रॉपर्टीज़ और हैं। तो हम इस ऐश को रिवर्स बैक नहीं कर सकते, रिवर्स बैक करके हम कोयले में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस, ये परमानेंट चेंजेस होती हैं। इन चेंजेस को हम दोबारा वापस नहीं कर सकते। और ये चेंजेस जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डन बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये थोड़ा टफ प्रोसेस है केमिकल चेंज का। हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी केमिकल रिएक्शन के हवाले से है। हम केमिकल रिएक्शन पे आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस, वी डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आर डेली लाइफ। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हुए देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, और जलने का जितना भी प्रोसेस है वो तमाम का तमाम किस में आता है, केमिकल रिएक्शंस में आता है। इसके साथ साथ घरों में हम जो नेचुरल गैस जो जलाते हैं, यानी कि मीथेन गैस, उसके भी प्रोसेस जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकली जो कोल है वो क्या है, कार्बन। कार्बन जो है केमिकली कोल है, कोयले को हम केमिकली कार्बन कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो मैटर है, मैटर हमें थ्री फॉर्म्स में मिलता है। प्रीवियस लेक्चर में मैटर को हमने डिफाइन किया कि मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी बुक है, ये मेरे हाथ में जो मैंने अभी ये पेन पकड़ा हुआ है, ये मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होगा।
और अगर हम इसको एक जगह पे कहीं पे रख दें तो ये कोई थोड़ी चाहे स्पेस लेगा लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस ये ज़रूर ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर है। अब ये मैटर जो है तीन फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर, देन आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड वाटर ऑलरेडी नेचुरली अकर इन लिक्विड फॉर्म, एंड इफ इट टर्न्स इंटू स्टीम देन इट इज कन्वर्टेड इंटू गैशियस फॉर्म। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड ठोस, लिक्विड माया यानी कि पानी, और गैस गैशियस फॉर्म में, गैस की सूरत में ये मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ ये बताना ज़रूरी है कि हम जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो मैटर की किस फॉर्म से बिलोंग करता है, आया वो सॉलिड स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट है या वो गैस स्टेट है। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर वो गैशियस है तो गैशियस से वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, या अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड से उसकी लिक्विड स्टेट से वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि मैटर थ्री फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस। जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर जो एटम्स की रीअरेंजमेंट है, एटम्स रीअरेंज होते हैं और उनकी फॉर्म चेंज होती है, तभी वो एक केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं और उस केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। When carbon reacts with oxygen, it converts into carbon dioxide during a process of burning. Now you can see here that S is written with carbon, G is written with oxygen, and G is written with carbon dioxide. So what does it mean? It means that carbon is used in solid state, oxygen is used in gaseous states. When they chemically react together, they are converted into carbon dioxide that is also present in gaseous state. Okay, so this is three forms of matter that we already described earlier. इसमें दो forms matter की use हो रही हैं, solid form, फिर gaseous form, लेकिन जो उनका product है आगे carbon dioxide वो भी किस form में convert हो रहा है, gaseous form में। यहाँ पे हम एटम्स की रीअरेंजमेंट देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम जो है ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। अब दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, दिस इज़ वन एटम ऑफ कार्बन, दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, दीज आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर रिएक्टिंग टुगेदर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग they are converted into carbon dioxide gas, and this is again rearrangement of carbon dioxide. You can see that this arrangement is very much different from this arrangement. यहाँ पर carbon separate है, oxygen separately है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जब product create हुआ है carbon dioxide तो chemically ये carbon के साथ connect हो गए हैं, तो इनका जो atomic अरेंजमेंट है वो भी चेंज हो गई है। इस तरह से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट हासिल होता है। अब जो न्यू प्रोडक्ट हासिल होता है उस न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ और जो उसके रिएक्टेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, लेट्स टेक अ लुक ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Substances which take part in a chemical reaction are known as reactants. For example, in this chemical reaction,
carbon and oxygen, they are known as reactants. And after chemical reaction, product is obtained, and this is carbon dioxide. So the substances which are formed as a result of the chemical reaction is known as the product. So carbon dioxide is the product of reactants, carbon and oxygen. So carbon and oxygen are the reactants, and carbon dioxide is product of this chemical reaction. So this is called product. Reactants are always written in the left side of a chemical reaction, and products are written in the right side of a chemical reaction. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि reactants जो हैं वो हमेशा left side पे लिखे जाते हैं, और इसको एक change को के कार्बन और ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, जो एरो का साइन है दरमियान में, ये एरो का साइन शो करता है कि इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्जन हो रही है केमिकल चेंज की, और जो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हमेशा राइट साइड पर लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर with oxygen present in air, it converted into carbon dioxide and water. This is CH4. Here you can see that one atom of carbon is attached with four atoms of hydrogen, plus it is reacting with oxygen. So here is representing two atoms of oxygen reacting with methane, and the process is burning. Methane plus oxygen, they are burning together and they are converted into carbon dioxide. Here is one carbon atom attached with two atoms of oxygen, and water is produced as a product. So these are two atoms of hydrogen. Oxygen is attached with two atoms of hydrogen. So this is the product. These are the reactants, methane and oxygen, these are the reactants, and carbon dioxide and water are the products. So what is the state of matter in this reaction of methane? This is in gaseous form, and oxygen is also in gas form, carbon dioxide is also in gas form, and water is written here is also in gas form. But I told you that naturally occurring water is present in liquid form, then why G is written here instead of L? This is right because water vapors are produced in this chemical process. So water vapors are the gaseous form of water, that's why G is written here instead of L. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो पानी के बारे में लिखा गया है गैस, गैशियस फॉर्म, तो पानी तो नेचुरली लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे फिर गैशियस फॉर्म क्यों लिखा गया है? वो इसलिए लिखा गया है कि इस केमिकल रिएक्शन में जो वाटर एज ए प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में है. तो वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? Gaseous form है, that's why G is written with water here. एक बात बेटा आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये थोड़ा मेरे पास बोर्ड छोटा है, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है ये मैंने आपको टू स्टेप्स में दिखाया, रिएक्टेंट्स यहाँ पे और प्रोडक्ट्स यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं लिखा जाता. केमिकल रिएक्शन को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में शो किया जाता है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और फिर उसकी राइट साइड पे प्रोडक्ट्स को मेंशन किया जाता है. इस फॉर्म में इन केस अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो आपका गलत तसव्वुर किया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने जब भी केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप हमेशा इसको एक स्ट्रेट उसमें एक ही लाइन में शो करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को. अनदर एग्जांपल दैट इज़ शोन इन योर बुक, दैट इज़ rearrangement of atoms during chemical reaction of hydrogen with oxygen. These are two atoms of hydrogen reacting with oxygen. These are the reactants and the product is water. And you can see here that how atoms rearrange itself during a chemical reaction.
these are the two molecules of water, and you can see here the arrangement of water here, that one oxygen atom is attached with two hydrogen atom, and again one oxygen atom is attached with two hydrogen atoms. यहाँ पर टू लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टू लिखा हुआ है. ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि जो केमिकली अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. अब ये केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से बैलेंस की जाती हैं, नेक्स्ट आपका ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे किया जाता है, और ये कोफिशेंट्स जो हैं वो किस तरह से इसके साथ लिखे जाते हैं. इन तमाम एग्ज़ाम्पल्स में आपने देखा होगा कि कैसे एटम जो हैं रिएक्शन शुरू होने से पहले उनकी अरेंजमेंट क्या है, और रिएक्शन ख़त्म हो जाने के बाद उनकी अरेंजमेंट क्या है. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की अरेंजमेंट आप देखें कि बिल्कुल डिफरेंट है, ऑक्सीजन की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की जो केमिकल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल चेंज है. तो जो स्टार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी केमिकल रिएक्शन की, दैट दिस इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. सो इन एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस की और एटम्स कैसे रीअरेंज होते हैं व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स, कि जब जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एटम की रीअरेंजमेंट, और जब वो आपस में रिएक्ट करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट हासिल होता है, तो उस प्रोडक्ट की किस तरह से एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं. तो ये जो चेंज आता है इस पूरे केमिकल रिएक्शंस में, तो इस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज. और क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है, तो इसीलिए इस ये एक टफ प्रोसेस है, और इसको फिज़िकल रिएक्शन की तरह रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता. आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शंस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू लर्न क्वेश्चन नंबर 5.1, दैट इज़ एमसीक्यूज गिवन ऑन योर बुक एट ऑन पेज नंबर 74, एंड देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 5.2, दैट इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 76, दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5. आपने अपना ये काम याद करने वाला भी करना है, और इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सिर्फ आपने राइट करना है, इसको भी आपने साथ याद भी करना है. ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसको आपने याद भी करना है. इसके साथ साथ आपकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी. मैंने आपके साथ एक छोटी सी वीडियो मज़ीद शेयर की है आपको केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए, कि केमिकल बेसिकली अगर हम स्कूल में होते तो लैब में कुछ केमिकल रिएक्शंस करके हम देख सकते थे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं और कैसे चेंजेस आते हैं. लेकिन चूंकि अभी हम स्कूल में नहीं हैं, तो इसलिए आपको शो करने के लिए कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कैसे चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो मैंने साथ में अपलोड की है. आप उस वीडियो को देखिएगा, और इंशाल्लाह ताला हमारे स्कूल अगर जल्द खुल जाते हैं तो फिर हम स्कूल में भी एक दिन लैब में जाके ये केमिकल रिएक्शंस को प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल चेंजेस होती हैं और कैसे न्यू प्रोडक्ट हासिल होता है. आई होप आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा. मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे. स्टे सेफ़. अल्लाह हाफिज़.